गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, देखिएगा कि हमने आपको डिस्टेंस को मेजर करने के बहुत से डिवाइस बताए थे। मीटर स्केल था, वर्नियर कैलिपर था, स्क्रू गेज था। तो स्क्रू गेज का आपने एक लिमिट होता है जहाँ तक वो मेजरमेंट कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं माइक्रोस्कोप पे। तो अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की, प्यारे बच्चों, बात करते हैं, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप काम करता है किस प्रिंसिपल पे? कि लाइट इज ए वेव एंड ए वेव हैज ए वेवलेंथ। सो द वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल लाइट इज 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम, वेयर डियर स्टूडेंट्स 1 एंगस्ट्रम मीन्स 10^-10 meter। तो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, जो हमारी विजिबल लाइट के ऊपर काम करता है, जो लाइट यहाँ पे आ रही है, दिस इज विजिबल लाइट, इस विजिबल लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम मीन्स 4×10^-7 meter है, और 7×10^-7 meter ये वेवलेंथ रेंज है हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की। अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे छोटा है, इस डिस्टेंस से छोटा है, फॉर एग्जांपल, प्यारे बच्चों, मैंने ले लिया कोई भी मॉलिक्यूल, एक टिपिकल मॉलिक्यूल का जो साइज होता है लगभग वो 10^-8 meter या इससे कम होता है। आप अगर इस लाइट से इसको मेजर करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ इससे ज़्यादा है। फिर आपको एक डिजायरेबल रेजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। रेजोल्यूशन का मतलब, बच्चों, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें अलग अलग रेजोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, 1080p, 720p। तो अब आप इस वीडियो को अगर मान लीजिए कम रेजोल्यूशन पे करके देखेंगे YouTube पे, तो उस समय आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देगी, और अगर इसको आप हाई रेजोल्यूशन पे करके देखेंगे तो बहुत साफ आपको चीज़ें दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है, प्यारे बच्चों, अगर इस वेवलेंथ से इस साइज़ को देखेंगे तो बहुत ही ब्लर दिखाई देगा, यानी चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। फिर बच्चों, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की यहाँ तक एक लिमिट हो गई। उसके बाद फिर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, आपने पढ़ा होगा, सुना तो पहले ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जैसे मैंने यहां कहा था कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप काम करता है लाइट इज ए वेव, इस प्रिंसिपल पे। और प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये काम करता है इस सोच के पीछे या इस सिद्धांत के पीछे कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए वेव। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, बट इट बिहेव्स लाइक ए वेव व्हेन इट मूव्स विद वेरी हाई स्पीड। इट बिहेव्स लाइक ए वेव, एंड इफ इट इज बिहेविंग लाइक ए वेव देन इट मस्ट हैव सम वेवलेंथ। और इसका जो वेवलेंथ होता है वो, बच्चों, लगभग फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रम होता है, 0.6 angstrom के आसपास। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो चीज़ें देख सकते हैं जो आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते थे। एंड डियर स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप एटम को भी देख सकते हैं। जैसे हमने किताबों में, अब आप आगे पढ़ेंगे बिकॉज यू आर लर्निंग एलिमेंट्री फिजिक्स, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जब आएगा तब आप देखेंगे कि किसी एटम के अंदर या किसी सॉलिड के अंदर एटम का अरेंजमेंट कैसा है। तो वो हम पूरा का पूरा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकते हैं कि हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड इन ए गिवन क्रिस्टल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद भी एक माइक्रोस्कोप है जो इससे भी अच्छा रेजोल्यूशन रखता है, जिसको हम कहते हैं
टनलिंग माइक्रोस्कोप। तेरे पर जो टनलिंग माइक्रोस्कोप इससे भी ज्यादा रेजोल्यूशन का है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में एक इफेक्ट आता है टनल इफेक्ट, ये उस पर काम करता है। अभी उस चक्कर में मत पड़िए आपकी टनल इफेक्ट क्या है, बट इसका रेजोल्यूशन इससे भी ज्यादा है। तो इसका अर्थ समझिएगा, अगर हम आपकी फोटो खींचते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो आपके चेहरे पे जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी उसमें क्लियरली आ जाएंगी, ठीक है। या आप अगर अपना फोटो, या मान लीजिए आपने किसी छोटे से क्रिएचर का, जैसे एक चींटी है, चींटी का फोटो आपने इसे ले लिया, तो चींटी के पैर, उनकी उंगलियों का साइज, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। अगर आप इससे चींटी का फोटो खींचते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतने रेजोल्यूशन से, तो चींटी की जो उंगलियां हैं उनकी बनावट, उसकी नर्व्स वगैरह सारी चीज़ आपको दिख जाएगी। और अगर आप इससे खींचते हैं तो चींटी की जो नाखून है, उस नाखून के अंदर जो मैल है, उस मैल के अंदर जो बैक्टीरिया है, वो भी आपको दिख जाएगा। उस बैक्टीरिया ने क्या पहना हुआ, ये भी दिख जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि टनलिंग माइक्रोस्कोप इज ऑफ वेरी वेरी हाई रेजोल्यूशन। इवन वी कैनॉट थिंक कि कितना हाई रेजोल्यूशन इसमें होता है। सो दीज आर सम डिवाइसेज विच आर यूज टू मेजर वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज। नाउ स्टूडेंट, आपके सिलेबस में 11th क्लास में है एक छोटा सा एक्टिविटी, समझ लीजिए, एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए। यू हैव टू मेजर साइज ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। आपने इस साइज को, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल को, साइज को आपने मेजर करना है। हमने यही क्यों चुना, ये हमने इसलिए चुना प्यारे बच्चों, एक तो ये इसका साइज जो है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-8 मीटर, एंड दिस इज समवट सोपी नेचर का होता है ये मॉलिक्यूल। इट मेक्स वेरी थिन फिल्म। सोपी नेचर मींस इट मेक्स वेरी थिन फिल्म, जैसे सोप का, साबुन का फिल्म नहीं बन जाता है। आप साबुन को, शैम्पू को पानी में मिला करके फिर आप बबल्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज्ड रिफिल, एम्प्टी रिफिल, फिर आप उससे बड़े बड़े बुलबुले बनाते हैं, या उसका कोई और फिल्म बना दिया, बिल्कुल बारीक परत बन सकती है। ऐसे ही इसमें गुण है, क्वालिटी है, कि ये भी एक परत बनाता है। तरीका क्या है, तरीका ये रहेगा प्यारे बच्चों, आप 1 cm³ ओलिक एसिड लेंगे, स्पेलिंग क्या है, OLEIC, ओलिक एसिड, और इसको हम डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, डाइल्यूटेड विद 20 cm³ ऑफ अल्कोहल। अब प्यारे बच्चों, आपने इसको डाइल्यूट किया 20 cm³ से, तो ये मान लीजिए दिस वाज 1 cm³ ऑफ ओलिक एसिड, हमने एक बीकर में लिया अल्कोहल, दिस इज 20 cm³, यहाँ पे इसको डाल दिया, फिर इसमें से प्यारे बच्चों हमने 1 cm³ लिया और उसको फिर से 20 cm³ अल्कोहल में डिजोल्व किया। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि इसमें 1/400 cm³ ओलिक एसिड है। जो भी आप इसमें से बूंद उठाएंगे, ऐसे लिक्विड उठाएंगे, उसका 1/400 cm³ ओलिक एसिड होगा। अब इसको बच्चों एक बड़ा सा हम बर्तन लेंगे, उस बर्तन में हम वाटर डालेंगे, केमिस्ट्री लैब में ये होता है कांच का बर्तन, और इस वाटर के ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे लाइकोपोडियम पाउडर, इसके ऊपर छिड़केंगे हम लाइकोपोडियम पाउडर। अब लाइकोपोडियम पाउडर डालने के बाद हम इसके ऊपर प्यारे बच्चों बूंद बूंद करके, यहां से अब बूंद लेंगे और इसके ऊपर बूंद बूंद डालेंगे ऐसे, और वो बूंद बूंद डालने से क्या बच्चों, एक परत इसके ऊपर बन जाएगी, एक
आपने कभी ये देखा भी होगा घर पे, जैसे पानी है, पानी का गिलास है, उसके अंदर आप एक बूंद सरसों के तेल की डालिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे वो बूंद फ्लैट हो जाएगी और सरसों के तेल का गोल सा एक उसमें गोल शेप में वो वहाँ पे एक डिस्क शेप में वो बन जाएगा। या आप घी की एक बूंद डाल दीजिए, पेट्रोल की बूंद डालेंगे तो वो भी गोल बनती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, वो बहुत ज़्यादा थिन बन जाती है। बट अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो एक डिस्क फॉर्म का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ से हमने जो ओलिक एसिड लिया है एक डिस्क शेप में बन गया। और केमिस्ट्री लैब में बच्चों ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि आप नाप सकते हैं कि आपने कितना वॉल्यूम इसमें यूज किया है। तो सपोज आपने पहले बच्चों एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन आपने यहां पे लिया है, तो इसमें एक ड्रॉप का वॉल्यूम अगर वी है, वी इज द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, तो पहले बच्चों टोटल जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का एक बूंद का V है, टोटल N बूंद ली है तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का हुआ N इंटू वी। और इसमें आपके पास ओलिक एसिड कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड आपका हुआ एन वी बाय 400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो भी आप जितना भी लेंगे उसका 400वां हिस्सा ओलिक एसिड का होगा क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन इतनी है 1/400। नाउ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप इसका डायमीटर नाप सकते हैं, आप इसकी रेडियस नाप सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इसका रेडियस नाप लिया, इसका रेडियस क्या है, और विद द हेल्प ऑफ डायमीटर आपने इसका रेडियस नाप लिया, तो यहां पर एरिया आपके पास, एरिया ऑफ इसको हम डिस्क ही कह सकते हैं या ड्रॉप कह सकते हैं, एरिया ऑफ ड्रॉप जो इस पर डाल दी गई है ड्रॉप्स इक्वल टू हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, जिसको मैं ए कह रहा हूं क्योंकि आर आपने मेजर किया है, पाई आर स्क्वायर की मदद से आपके पास एरिया आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा डिस्क के लिए, जैसे हमारे पास एक रुपए का सिक्का, दो रुपए का सिक्का होता है, वो डिस्क शेप में होता है, तो उसका वॉल्यूम होता है उसका एरिया इंटू उसकी थिकनेस। अब इस बूंद का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला भी यही होगा क्योंकि ये भी डिस्क के फॉर्म में होगा, तो हम उसको क्या कह सकते हैं पहले बच्चों, एरिया इंटू थिकनेस। और ये वॉल्यूम हमने मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट, वो इतना है, दैट इज इक्वल टू एन वी बाय 400 सेंटीमीटर क्यूब। सो टी आपके पास आ गया एन वी बाय 400 बाय ए सेंटीमीटर। देखिए यहां सेंटीमीटर क्यूब था, यहां सेंटीमीटर आएगा क्योंकि यहां एरिया है, सो एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कट के आपके पास क्या आ गया सेंटीमीटर। एन है नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो आपको मालूम है आपने कितना यूज किया है, वी है एक ड्रॉप का वॉल्यूम वो भी आपको मालूम है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एरिया पाई आर स्क्वायर ये भी आपको मालूम है बिकॉज यू नो आर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नाउ दिस टी इज द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये जो डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बना है उसकी थिकनेस है, एंड वी आर अज्यूमिंग हेयर, ये ध्यान रखना बच्चों जब भी ये टॉपिक करो तो यहां पे ये बात याद रखना, हेयर वी हैव अज्यूम दैट ओलिक एसिड फॉर्म ए मोनो मोलिक्यूलर लेयर, यानी हमने ये अज्यूम किया है कि यहां पे जो परत बनी है ओलिक एसिड की, उस परत में एक ही मॉलिक्यूल है, यानी एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, सारे वो एक मॉलिक्यूल है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक थाली है, थाली आपने देखी होगी, उस थाली के अंदर आपने जो हम बच्चे खेलते थे ना मार्बल ऐसे कंचा, वो आपने उसमें डाल दी है और इतनी ही डाली है कि वो एक परत कंचों की उस थाली के अंदर आ जाए। अब पैर में जो थाली डिस्क की शेप की होती है उसमें वो बहुत सारी कंचा आपने डाल दी, उसमें थाली पूरी फुल हो गई। अब उस कंचा की अगर आपने थिकनेस नापनी है तो आप कैसे नापेंगे, ये बिल्कुल वही तरीका है, ठीक है। तो कैसे नापेगा, एक कंचे का वॉल्यूम, ध्यान से सुन लो, एक कंचे का वॉल्यूम गुणा कितने कंचा है, तो एन
नंबर ऑफ मार्बल वी एक कंचे का वॉल्यूम, तो आपने उनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया, एंड दिस टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू उस थाली का एरिया, क्योंकि थाली के अंदर ही तो सारी कंचा है, तो उस थाली का एरिया इंटू टी। और जब आप ये दोनों बराबर रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कंचे का थिकनेस आएगा कि एक कंचा कितनी मोटाई का है। तो सेम यही बात यहां पे लागू हुई है, ये जो टी आपके पास आएगा ये आपके पास ओलिक एसिड का थिकनेस आएगा, एंड दिस थिकनेस आफ्टर कैलकुलेशन इज डियर्स कम्स आउट टू बी 10^-9 meters, नियरली 10^-9 meters। जब हम सारे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास ये आता है। सो दिस इज ऑल्सो ए मेथड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस, ऑल्दो दिस इज ए वेरी क्रूड मेथड, ये हर चीज पे लागू नहीं होता। कि अगर आप चाहें कि भाई सरसों के तेल के मॉलिक्यूल का भी थिकनेस हम नाप लें इसी से, मिट्टी के तेल का भी नाप लें, पेट्रोल का भी नाप, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ अजम्पशन है, कि अजम्पशन क्या है कि मोनो मॉलिक्यूलर लेयर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ओलिक एसिड इसीलिए सेलेक्ट किया था, एक तो उसका साइज बड़ा था, दूसरा वो एक सोपी कैरेक्टर का है, ठीक है, इस कारण से हमने इसको सेलेक्ट किया। बट दिस मेथड थ्योरेटिकली वर्क्स ऑन एवरी मॉलिक्यूल, लेकिन वहां पे फिर हमारे को चीजें क्लियर होनी चाहिए। मोनो मॉलिक्यूलर अगर लेयर हुई, हालांकि इतना आसान नहीं है मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाना, लेकिन अगर मोनो मॉलिक्यूलर लेयर है तो आप ये तरीका उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।